भूल गए हम, याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान, आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। ऐसी क्या चीज है जिसे आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते? पानी, हवा, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा और मकान, फैमिली, मोबाइल। अरे सुनिए, वो कौन सी चीज है जिसे आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती? कौन, मैं? जी, पर ऑफ कोर्स फ्रीडम, स्वतंत्रता। मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो सांस लेने का महत्व जानता है वो आजादी का महत्व भी जानता है। सांस लेने और खुली हवा में सांस लेने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपको विश्व के सारे ऐशो आराम, सारी फेम दे दी जाए और बदले में आपसे बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, स्वच्छंद घूमने की आजादी, अपने मन मुताबिक नौकरी, फैशन, खाने पीने की आजादी छीन ले, तो जिंदगी नरक नहीं बन जाएगी? एक पिंजरे में कैद पंछी और एक खुले गगन में उड़ते पंछी में यही फर्क है। आजादी, स्वतंत्रता, यही फ्रीडम ईश्वर का हमें सबसे बड़ा वरदान है। और हमारी इस स्वतंत्रता को जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, देश के नागरिकों की मर्जी से चलने वाला तंत्र। अच्छा मुझे बताइए, हमारे देश में प्रजातंत्र कब से है? 1947 के बाद, हमारी आजादी के बाद से लोकतंत्र है। 1950, करीब करीब 70 साल हो गए। मुझे भी यही लगता रहा कि भारत में डेमोक्रेसी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। जी हाँ, एक औपचारिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत ग्रीस में हुई। मैं आपको याद दिलाती हूँ दो शब्द जिसको हमने अपने घरों में बचपन से सुना है लेकिन अब भूल गए शायद, राम राज्य। तुलसी रामायण का एक प्रसंग है जहां राम ने अपनी सभा में अयोध्या के लोगों से कहा कि आप सब खुलकर अपने विचार मुझसे कहें और निडर होकर मेरे निर्णयों को अस्वीकार करें। इसीलिए गांधी जी ने भी राम राज्य के आदर्शों को प्रजातंत्र की नींव माना है, क्योंकि राम के लिए प्रजा राज्य से ऊपर थी। और जहां प्रजा की आजादी राज्य से ऊपर हो, उसे तो स्वर्ग ही कहते हैं। जनपद, जनसभा, पंचों की राय, लोकमत यानी कॉन्सेंसस, इसके तमाम उदाहरण वैदिक काल की रचनाओं में मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वैदिक काल में लोगों की सभा या समिति के पास राजा को बर्खास्त करने का भी अधिकार था। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा राजा नहीं, राजन कहा, क्योंकि राजन का मतलब लोगों द्वारा चुना हुआ राजा होता है। बौद्ध समय के पाली ग्रंथों के अनुसार उस समय भारत में कई सफल गणतंत्र राज्य थे। और यह है विजयनगरा, जिसे हम हम्पी के नाम से जानते हैं। यहाँ की भी यही विशेषता रही है कि राजा के बाद राजा का बेटा नहीं बल्कि वो राजा बनेगा जो न सिर्फ काबिल हो बल्कि जिसे प्रजा का प्यार, आदर और विश्वास भी प्राप्त हो। यह है तमिलनाडु कांचीपुरम में मंदिरों की नगरी उत्तिरामेरूर। यहाँ के वैकुंडु पेरुमल मंदिर के इंस्क्रिप्शंस में 8वीं और 9वीं सेंचुरी में पल्लवा डायनेस्टी के समय डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नेंस का वर्णन है।
लोकमत हमेशा से हमारी शान रही है और इसीलिए तमाम इंडिपेंडेंट किंगडम्स होने के बावजूद भारत हमेशा एक राष्ट्र बनकर रहा। कल्चरल डेमोक्रेसी में भी पूरे विश्व में भारत का कोई जवाब नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लेकर चले और जो भी यहाँ आता गया वो पूरे सम्मान के साथ यहाँ समाता गया। लेकिन इसी का फायदा उठा के कुछ गलत शक्तियों ने हम पे हमला करके हमारी आज़ादी छीन ली। वो आक्रमण, लूट और गुलामी और शोषण के हजार वर्ष भारत के महान इतिहास का सबसे घुटन और अंधकार भरा समय था। उन्होंने हमें प्रताड़ित तो किया पर आज़ादी को लेके हमारे अंदर जो एक स्पिरिट था, जो चेतना थी, उसे वो ख़त्म नहीं कर पाए और देश के हर कोने से जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब, पुरुष और स्त्रियों ने आज़ादी का एक ऐसा आंदोलन छेड़ा कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के इन दुश्मनों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। हम आज़ाद तो ज़रूर हुए पर जाते जाते अंग्रेज़ अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमें पूरी तरह से लूट के, तोड़ के और जर्जर करके चले गए। बंटवारे का आघात, ठप कृषि, उद्योग और व्यवसाय, गरीबी और भूखमरी, कठिनाइयाँ, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था। विश्व की नज़रों से देखें तो उस वक्त प्रजातंत्र चुनना हमारे लिए आग में कूदने से कम नहीं था। लेकिन विश्व शायद ये नहीं जानता था कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा स्वभाव है, डेमोक्रेसी भारत का डीएनए है। आज भारत सिर्फ सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा प्रगतिशील डेमोक्रेसी भी है। और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी चलाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था लगती है क्या आपको इसका अंदाज है? हमारे यहाँ कई लेवल्स पर इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट से लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शंस, स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस, काउंसिल इलेक्शंस और फिर पंचायती राज जैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस, सोसाइटीज, क्लब्स और लगभग हर संस्था में इलेक्शंस होते हैं। आप जानते हैं कि 2014 के जनरल इलेक्शंस में टोटल कितने लोगों ने वोट किया? 86,35,00,000 लोगों ने। पूरे इलेक्शंस में सरकार के लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, 10,00,000 ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल हुआ और लोकसभा की 543 सीटों के लिए 8,251 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। सोचिए कितना पैसा और कितने लोग लगते हैं एक सक्सेसफुल इलेक्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट करने में। भारत की डेमोक्रेसी की सफलता का मुख्य कारण है भारत के लोग। ये एक संघर्ष और साहस की कहानी है। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, बाढ़ हो, भारत के लोग घर से निकलकर अपना वोट डालना अपना फर्ज और लोकतांत्रिक धर्म मानते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं भारत के सबसे पहले वोटर से। वो आज 103 साल के हैं लेकिन वोट डालने का उत्साह एक छोटे बच्चे जैसा है। श्याम सरन नेगी जी कल्पा हिमाचल प्रदेश के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। 1951 में आजाद भारत के पहले जनरल इलेक्शन में सबसे पहला वोट नेगी जी ने डाला। उन दिनों में अनपढ़ होने के नाते पब्लिक ये नहीं जानती थी कि हम आज तक गुलाम देश में थे। देश आज़ाद होने के बाद इलेक्शन का सिलसिला 1952 से होना था, लेकिन हमारे कन्नौर में ठंड इलाका होने के नाते 6 महीना पहले कराया, यानी 1951 के अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुआ। मैंने वोट देना था कल्पा से, ड्यूटी देनी थी फ्रंटिंग से, तो शाम को घर आया और घर आ कर के दूसरे दिन 6 बजे जहाँ इलेक्शन होना था वहाँ जा कर के अपना वोट डाल कर दौड़े दौड़े मैं अपनी ड्यूटी पर संतन निकला था। और जगह से 6 घंटा पहले मेरा वोट बक्से में पड़ा, इस वास्ते मेरा नाम फर्स्ट वोटर में आया। कोई वोट मेरे से आज तक नहीं छूटा, चाहे पंचायत में बोलो, विधानसभा में बोलो, लोकसभा में, हर वक्त मैं वोट देते हुए आ रहा हूँ। 100%
खुशी खुशी के साथ जा कर के अपना वोट देने से पीछे ना रहे। ठंड हो, बारिश हो, बुखार हो या जोड़ों में दर्द हो, अपने गांव के छोटे बच्चों को वो डेमोक्रेसी का अर्थ समझाते हैं और साथ ही लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। और देश की उन्नति होगी, देश की भलाई होगी। बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ी मेहनत और कुशलता से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करवाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाली कमिटी में उस वक्त 15 महिलाएं भी थीं? ये भारत के लिए गर्व की बात है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ भारत में ही शुरू से औरतों के पास वोट डालने का अधिकार रहा है। जहाँ एक तरफ हमारी डेमोक्रेसी ने महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है, वहीं हमारे भारत के महिलाओं ने इस डेमोक्रेसी को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं आपको मिलवाती हूँ झारखंड के बहुत ही पिछड़े इलाके की एक महिला से, जो इतने गरीब परिवार से हैं कि आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी हालातों से लड़ी और आज ये 4 गांव की मुखिया हैं। मिलिए सरिता देवी से। माँ बाप गरीब है। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। हम 3 बहन और 3 भाई थे। गरीबी इतनी थी कि भीख मांग मांग कर हमारी शादियां हुई। मेरे सास ससुर भी बहुत ही गरीब थे, इसलिए शादी के बाद भी मेरी किस्मत नहीं बदली। हमारी झोपड़ी की हालत इतनी खराब थी कि प्लास्टिक डालने के बाद भी पानी अंदर आता रहता था। हम भीगते रहते थे, पूरी तरह भीग जाते थे। बहुत दुख झेला है हमने। मेरे पति पेंटिंग का काम करते थे। काम करते करते उन्हें कुछ लोग मिले जो चुनावों में काम करते थे। उन लोगों ने मुझसे भी पंचायत में काम करने के लिए कहा। मैं काम करने लगी। पंचायत में काम करते करते उन्होंने मुझसे पूछा कि मुखिया पद के लिए खड़ी होंगी? मैंने कहा कि हाँ, खड़ी होंगी। महिला चुनाव में मुझे खड़ा कर दिया और मैं चुनाव जीत गई। भारत के प्रजातंत्र की ताकत देखिए कि सरिता देवी न ही सिर्फ इस गांव से जीत के यहां की मुखिया बनी, बल्कि इन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी लगन से इस गांव का कायाकल्प कर दिया। मेरे पास 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड को लेकर चलना होता है। सरकार की जो भी योजना आती है, मैं आम सभा बुला के उसको सब वार्ड में लोगों तक पहुंचाती हूं और काम जोरों से शुरू कर देती हूं। इन्होंने जब मुखिया पद में चुना गए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन्होंने बहुत काम किया। पूरे पंचायत में शौचालय निर्माण कराए, मैंने आवास बनवाए हैं, हैंडपंप लगवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, सब कुछ बनवाया है। सरिता देवी एक्चुअली की साक्षर है, पढ़े लिखे उतना नहीं है, चाहे शौचालय के विषय में हो, चाहे पीएम आवास के विषय में हो, पेंशन के विषय में हो, पुल पुलिया के विषय में हो, सरकार के चिट्ठी का अनुसार सरिता देवी को मैं मदद करता हूँ। अनुसार ही सरिता देवी ग्राम सभा पर चाहे अन्य योजनाएं लेती है और काम करती है। तो मोदी सरकार अच्छा काम करेंगे तो और पद बढ़ेगा और एक बार फिर मुखिया बनकर और कोशिश करूंगी, बढ़ चढ़ कर काम करूंगी। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश का नाम होता है तो गांव का भी नाम होता है। सरिता देवी से बढ़िया मिसाल क्या हो सकती है भारत के प्रजातंत्र की सफलता की? भविष्य में भारत को ग्लोबल लीडर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बने रहना बहुत जरूरी है। हमारे यूथ, थॉट लीडर्स, विजनरीज, अचीवर्स, पॉलिसी मेकर्स, ये सब क्या सपना देख रहे हैं? आइए मैं आपको मिलाती हूँ भारत के ऐसे ही एक यंग अचीवर से, जिन्होंने एक कॉमन वोटर को एम्पावर किया और पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल बनाया। कैसे? टेक्नोलॉजी से। मिलिए पंजाब के प्रथम मित्तल से। यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी वॉटन में पढ़ने के बाद और 7 सालों तक यूएस में एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के बाद ये सिर्फ इसलिए भारत में वापस आए ताकि अपने देश की डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रॉन्ग बना सके। नेता ऐप आपने डेवलप किया है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि ये है क्या? जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है। हाँ। और रिपोर्ट कार्ड के चक्कर में बच्चे पढ़ते हैं, हार्डवर्क करते हैं। हम चाहते थे कि नेताओं का भी एक रिपोर्ट कार्ड हो। वेरी गुड। इसमें जो टीचर है वो जनता है। हाँ। जनता डिसाइड करेगी कि कौन से नेता को कितने नंबर मिलने चाहिए। और हमारा विजन ये है कि जब कल को लोग वोट करने जाएं, तो लोग जाति के आधार पे या जो झूठे वादे किए जाते हैं उनके आधार पे वोट ना करें, लेकिन जो
लोगों ने उनको रेटिंग दी है जो उनकी रिपोर्ट कार्ड बनी है उसके आधार पे लोग वोट करें किसी को। इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, यदि आपको रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो आप उसको एक अच्छी रेटिंग देते हैं। राइट, यही सेम चीज हम नेताओं के साथ कर रहे हैं। एंड कैसे सोचा इसके बारे में? जब हमें आइडिया आया थोड़ा सा तो हमें लगा ऐसा जरूर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा मार्केट में। जब हमने सर्च किया हमें पता लगा कि कुछ है ही नहीं ऐसा जो एग्जिस्ट करता है, तो हमने सोचा कि इसको इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लॉन्च किया जाए। मैं इतना बौचक्का रह गया कि मैम आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो कभी स्कूल नहीं गया वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है, यूज़ करता है, रीडर्स को रेटिंग देता है। तो आपके कितने यूजर्स हैं अभी आपके भारत में? टोटल हमारे पास मैम 1.5 करोड़ से ऊपर मतदाताओं ने ऐप को यूज़ किया है। पर आपका क्या विजन है अभी इंडिया को लेके, अपनी डेमोक्रेसी को लेके? मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल ही डिसरप्ट कर दी हैं। पॉलिटिक्स भी आने वाले टाइम में डिसरप्ट होगी। या आप ले लीजिए अकाउंटेबिलिटी को कि नेता अकाउंटेबल नहीं हो पाते कभी कभी, या स्पेंडिंग को कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का वो कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी भी थोड़ी हमारी वीकनेस है, तो नेता ऐप उसमें एक छोटा पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए, कहीं कुछ हर्डल्स आए ऐप क्रिएट करते हुए ऑन योर वे टू सक्सेस? तो अभी हाल ही में जब इलेक्शंस चल रहे थे और हमने ऐप को थोड़ा प्रमोट करना शुरू किया ग्राउंड लेवल पे, तो जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़े हिल से गए। राइट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नेता जो वेल इंटेंशनड नेता है उनको फीडबैक नहीं मिल पाती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, या कौन से क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए। सही बात है। हाँ। अभी हाल ही हुए इलेक्शंस में नेता ऐप ने 96% एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट किया कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी। जब तक प्रथम मित्तल जैसे यंग अचीवर्स मौजूद हैं तब तक हमारी डेमोक्रेसी को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो क्या है उसके लिए? मैं आपको दिखाती हूं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो युवाओं को पॉलिटिकल लीडर्स बनाने की ट्रेनिंग देती है। चलिए महाराष्ट्र के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में, जिसे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय पूरे जनतंत्र में सभी पार्टीज के जो नेता थे उनको लगा कि इस जनतंत्र को और मजबूत हम कैसा करें, तो वहाँ से भी ये कल्पना प्रारंभ हुई थी जो जनप्रतिनिधि है उनको प्रशिक्षित क्यों न करें। तो ये आवश्यकता लेकर 1982 में ये संस्था बनी। हमारे जो विद्यमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी वो यहाँ पे कार्यक्रम में आके गए। इस प्रबोधिनी में मुझे लगता है कि शायद 10 या 12 बार मेरा आना यहाँ हुआ होगा। दो दो तीन तीन दिनों तक यहाँ पर प्रवास, और प्रवास का एक ही उद्देश्य था ट्रेनिंग। जिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं इसी प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त करने का मुझे भी सुअवसर यही प्रबोधिनी में मिला। हम मानते हैं कि प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। ये संस्था न केवल प्रशिक्षण का काम करती है तो आम जनता में जाकर वो मतदाताओं को भी लोक परिष्कार के कार्यक्रम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विषय रखा था, या स्किल इंडिया का विषय रखा था, स्टार्टअप इंडिया का विषय रखा था, तो ऐसे ही विषय लेकर जनता में जाकर इसका प्रबोधन भी करते हैं। मैं IIT पास्ट हूँ और मैंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपना MBA किया है। मेरे सामने बहुत क्लियर ऑप्शन था, या तो मैं देश के बाहर चला जाऊँ या मैं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ करूं और देश में रहूं, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। भारत का पैसा बाहर जा रहा था, करप्शन, स्कैम्स, दे वर ऑल एवरीवेयर। और उस समय मैंने तय किया कि आई विल स्टे बैक इन इंडिया एंड आई विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। प्रबोधिनी एकमात्र ऐसा पूरे साउथ एशिया में संस्थान है जो कि राजनेताओं को ट्रेन करती है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, उनमें एथिक्स कैसे आए और वो राजनीति में कैसे जाए। जिस तरह एक पायलट सिमुलेटर में बैठकर प्लेन चलाने की ट्रेनिंग लेता है, उसी तरह प्रबोधिनी में लोकसभा सिमुलेट करके नेताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की विचारधारा को समझते हुए अपना स्पेस देना चाहिए कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे। ये वो संस्थान है जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स को बना रही है, और अगर हमें देश में बदलाव लाना है तो इन नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप में पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। ये तो डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी का जो कल्चर उसमें हम खोना नहीं चाहते। हम पीसफुली किसी भी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ये शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। हमारे ऊपर डिक्टेटर कभी ना था ना रह सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी
काफी इम्पोर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी भी बोलते थे कि भारत एक युवाओं का देश, युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र में होनी चाहिए। कोई वर्ग ऐसा ना हो जो छूट जाए। आने वाली जनरेशन है जो हम उनको अपना इतिहास बता सकते। ऐसा नहीं कि पिछले 70 सालों में प्रॉब्लम्स नहीं हुई। घोर गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन सब समस्याओं के बावजूद हमने डेमोक्रेसी पर से अपनी आस्था टूटने नहीं दी। करप्ट नेता, डेमोक्रेसी की हत्या करने जैसी इन्फेमस एमरजेंसी, वीक कोलिशन गवर्नमेंट्स, बूथ कैप्चरिंग, हॉर्स ट्रेडिंग जैसे बुराइयों के बावजूद हम सीखते रहे और निरंतर प्रगति करते रहे। एक गरीब से गरीब आदमी जिसके पास पैसा ना हो, ताकत ना हो, साधन ना हो, जिसकी कोई सुनता ना हो, वो जब बैलेट बूथ में जाता है तो उसके हाथ में वो ताकत है कि वो एक असमर्थ सरकार को गिराकर नई सरकार ला सकता है। हर इंसान की शक्ति है डेमोक्रेसी। आपकी शक्ति है डेमोक्रेसी, मेरी शक्ति है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी और आजादी पर हमारा ये विश्वास ही तो है जिसके चलते जहां विश्व की सारी सभ्यताएं एक एक करके खत्म हो गई, भारत अब भी जिंदा है। ये थी हमारे डेमोक्रेसी की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात। एक सुनहरे कल से निकल कर दूजे सुनहरे से कल में जाने वाली आंख में मिलजुल के और खुल के सच्चे भारत की बात।